मोबाइल फोन या बोले स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। घर के छोटे बच्चे से लेकर दादा दादी तक सब इसके दीवाने हैं। पर बच्चों को बिजी रखने का ये तरीका कितना हानिकारक है आज मैं आपको बताऊंगी। और शायद ये सब सुनने के बाद आप कभी अपने बच्चे को मोबाइल फोन नहीं देंगे। आपने देखा होगा, 1-2 साल का बच्चा थोड़ा सा रोता है तो मम्मी पापा फोन पे उसे नर्सरी राइम्स लगा देते हैं। ये देखकर बच्चा एकदम चुप हो जाता है। दूर बैठे दादा दादी नाना नानी से वीडियो चैट करवाते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा स्मार्टफोन पे उंगलियां चलानी सीखता है, फिर घंटों घंटों फोन पे लगा रहता है अपनी मनपसंद वीडियोस देखने के लिए। कितना आसान हो जाता है पेरेंट्स के लिए बच्चे को संभालना, पर ये फोन उनके 2-3 साल के बच्चे के दिमाग पर क्या असर डालता है उनको नहीं पता। बच्चों के दिमाग की ग्रोथ सबसे ज्यादा पहले 3 साल में होती है और ये ग्रोथ डिपेंड करती है एक्सटर्नल स्टिमुलस पे, यानी वो कितने लोगों से मिलता है, कितनी नई चीजें देखता है, कितनी नई चीजें महसूस करता है। और पेरेंट चाइल्ड इमोशनल बॉन्डिंग भी इसी पीरियड में होती है। पर मोबाइल फोन दिमागी विकास में बाधा डालता है और जो पेरेंट्स ये सोच के बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ नया कैसे सीख रहा है, तो वो नहीं जानते कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिले हो रहा है और बच्चा बहुत सारी मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहा है। जिस बच्चे को एक बटन दबाने से मनचाहा वीडियो मनचाहा गेम मिल रहा है, उसमें टॉलरेंस कहाँ से आएगी? एक चीज पसंद नहीं तो एकदम दूसरी चीज हाजिर हो जाती है, तो वो अटेंशन फोकस कहाँ से सीखेगा? और अगर आप उसका फोन छीनोगे तो वो गुस्सा करेगा, रोएगा, उसमें टेंट्रम्स शुरू हो जाएंगे। 4-5 साल के बच्चे गेम्स खेलते हैं फोन पे, फेवरेट कार्टून शोज देखते हैं, अपने मन पसंद सुपर हीरो को फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। पेरेंट्स बड़े खुश होकर कहते हैं कि बेटा स्पाइडरमैन की एक्टिंग करके बता। हाल ही की घटना है कि एक बच्चा स्पाइडरमैन को कॉपी करने के चक्कर में छत से कूद गया और जान दे दी। कितने दुख की बात है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन या फिर किसी भी और सुपर हीरो का शो जिसमें बच्चे देखते हैं कि वो कैसे बुरे लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, फिजिकल वायलेंस देखते हैं, उनको लगता है किसी को भी मारना एकदम नॉर्मल बात है, यानी पावरफुल होने की निशानी है। गेम्स के चक्कर में बच्चे खाना तक भूल जाते हैं। गेम्स के दौरान टॉयलेट जाने के चक्कर में कहीं पॉइंट्स ना खोने पड़े तो बच्चे डायपर्स यूज करते हैं। चाइना में तो मोबाइल फोन एडिक्शन को इलेक्ट्रॉनिक हेरोइन का नाम दिया गया है, यानी मोबाइल आपके बच्चे को वैसे ही एडिक्ट बना रहा है जैसे नशीले पदार्थ। बच्चे घंटों चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रात रात को सोते नहीं हैं। धीरे धीरे उनमें स्लीप प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो एकदम थके हुए और इस वजह से पढ़ाई में पीछे रहने लगते हैं। धीरे धीरे आई स्ट्रेन शुरू हो जाता है, लगातार गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। फेसबुक व्हाट्सएप की फोटोज स्टेटस पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, इस पे डिपेंड करता है कि उनका दिन कितना अच्छा निकलेगा। उनकी अपने लिए जो राय है, उनकी जो सेल्फ इमेज है, वो भी सोशल मीडिया डिसाइड करता है। फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी डिसाइड करता है। असली दुनिया से दूर वो एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लग जाते हैं। माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर, कैद हो जाते हैं एक कमरे में, चिपक जाते हैं फोन से। ना खाने पीने की चिंता, ना पढ़ाई की चिंता। पॉपुलर यूट्यूबर बनना ही एम ऑफ लाइफ हो जाता है। साइकेट्रिस्ट के अनुसार मोबाइल फोन एडिक्शन बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण है। इंटरनेट यूज डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अनुसार जब बच्चे को इंटरनेट से दूर रखा जाए तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और जिद्दी हो जाते हैं।
सबसे खतरनाक इमोशनल शट डाउन हो जाता है, जिसमें बच्चों की इमोशनल बॉन्डिंग ही खत्म हो जाती है। वो अकेला रहना पसंद करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि बच्चे उनसे अलग हो रहे हैं। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन अटेंशन, डिजिटल डिमेंशिया यानी याददाश्त कम हो जाती है, लगातार रहने वाली घबराहट, मूड फ्लक्चुएशंस, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स इश्यूज इसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। रियल स्पोर्ट्स क्या है उनको नहीं पता, प्लेग्राउंड की शक्ल तक नहीं देखते। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा आ जाता है, और जल्द ही मोटापे के रिलेटेड बीमारियां जैसे शुगर, बीपी आनी शुरू हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक मोबाइल फोन कितना नुकसान कर रहा है आपके बच्चों का? इतना सब जानने के बाद आप शायद कभी अपने छोटे से बच्चे को फोन नहीं देंगे। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, इसलिए जब कभी कोई छोटा बच्चा फोन पे लगा दिखाई दे तो कभी खुश मत होइए, और उसके पेरेंट्स को साइड इफेक्ट जरूर समझाइए। हो सके तो ये वीडियो जरूर दिखाइए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।